बॉलीवुड की सबसे लव पर्सनालिटी मेरे साथ है, मेरे फेवरेट अनुपम खेर सर। हेलो सर, वेलकम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया है सर। वैसे तो आप यहाँ पे आए हैं और मैं अभी किसी से डिस्कस ही कर रहा था आप ही की फिल्म के बारे में, बेबी। सर क्या प्रोमो है, क्या कमाल है सर, कैसे कर लेते हैं आप? फिल्म भी बहुत अच्छी है, नीरज पांडे की फिल्म है और बहुत अच्छी है। अक्षय ने कमाल का काम किया है। 23 तारीख को रिलीज हो रही है और बहुत मजा आने वाला है सर। मजा मैं तो कहता हूँ जब आप हो तो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर उसी की बात करूं सर, सीजन 1 हो गया सर, जल्दी 2 लेके आइए प्लीज। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अप्रैल में शूटिंग कर रहे हैं सीजन 2 की। बिल्कुल, आपके सामने यहां पर पेश किया जा रहा है सीजन 2। क्या बात है, मतलब फुल ऑन मजा आने वाला है। तो सर कोई एक्टर्स हैं आपकी लिस्ट में जो जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स तुम्हारा नंबर ही आएगा जरूर, बहुत जल्दी आएगा, 1-2 साल में आ जाएगा। नंबर आ जाएगा जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है इसी से एकदम से। लेकिन आज ये जो मैच देख रहे हैं आप सर, तो दोनों टीम्स के बारे में कुछ कहना है खास तौर पे? अभी तो मैं बैटिंग टीम ने तो बुरी हाल कर रखी है, फील्डिंग टीम की लिटरली छक्के छुड़ा रखे। मगर सरप्राइजेज आर ऑलवेज देयर इन 2020। यू कैन ऑलवेज कम अप विद समथिंग अप योर स्लीव एंड आई एम श्योर दे विल कम अप विद। अभी आपको कोई बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर दिख रहा है, कोई फील्डिंग करता हो लगाओ कि क्या भाग रहा है यार ये? मतलब मैं सुनील शेट्टी साहब को देख रहा था भागते हुए, बहुत भाग रहे थे। और एक कोई और खिलाड़ी है जो अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। अब वो खिलाड़ी कौन है वो सर नहीं बताएंगे, वो एक राज है। बट सर विश यू ऑल द लक फॉर द फिल्म एंड द सीजन 2 ऑफ कुछ भी हो सकता है। फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। यस एब्सोल्युटली सर, और मैं एक साथ काम कर रहे हैं और जल्दी आपको पता चलेगा कहां पर। फिलहाल थैंक यू सो मच सर। आज मेरा लाल चश्मा काम आ गया, आपको पता है क्यों? क्योंकि लाल चश्मा हो तो मिस्टर इंडिया कभी बच नहीं सकते। और अनिल सर, हाउ आर यू सर? सुपर्ब सुपर्ब सर। तो मतलब आप यहाँ पे मैं देख रहा था बड़े इंटरेस्ट से आप मैच देख रहे थे। मुझे तो ये सब गड़बड़ लग रहा है यार। क्या गड़बड़? मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मुंबई तो एक ही होना चाहिए ना? करेक्ट आपने बोला, बिल्कुल। मुंबई का अलग थोड़ी हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं। नाम चेंज करना चाहिए सर इनको, बोलूं? फील, हाँ, क्योंकि जो मुंबई में रहते हैं वो महाराष्ट्र है। करेक्ट, महाराष्ट्र के। तो ये मुंबई महाराष्ट्र के समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो यही मजा है यहाँ पे, हर बार आते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सर ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू करो आप लोग। ये बिल्कुल, अब आपने सर आग लगाई है, थोड़ा घी मैं डाल दूंगा सर, काम पूरा खत्म करके जाएंगे। पर फिलहाल दोनों टीम्स को देख के क्या कहना है? मैं तो दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ और हूँ तो मैं जय महाराष्ट्र। ये मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है और वैलिड इसलिए भी है क्योंकि सर के आते ही चौका पड़ गया है सर। मेरे चौका क्या, अभी चौका पड़े या कोई आउट नहीं हो तो मुझे दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। ये भी बात है, मिक्स्ड इमोशन हो गया, इमोशन ये सही नहीं है। ये बिल्कुल के बारे में आपने कहा है। लेकिन सर एक और चीज़ कहना चाहता हूँ सर, 24 सीजन 2 सर बहुत एक्साइटमेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अब मैं तो भैया एक्साइटमेंट तो खत्म होने के बाद होगी, जब लोग पसंद करेंगे तब एक्साइटमेंट होगी। इस वक्त तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सेकंड सीजन है उसमें भी हम उतनी जद्दो अपना मेहनत उतनी वैसे ही करें जितनी हमने फर्स्ट में की थी। और बड़ा मुश्किल है ये 24 को पर्दे पर लाना, छोटे पर्दे पर लाना, मगर हमारी कोशिश यही होती है कि छोटे पर्दे पर तो है मगर हम उसमें बड़े पर्दे से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं सर। पर मैं ये कहता हूँ मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुश्किल काम उसी को सौंपा जाता है जिसमें वो काबिलियत हो करने की, इसलिए सर आप उसे इतनी बाखूबी निभा रहे हैं। सीजन 1 लोगों को बहुत पसंद आया एंड आई एम डैम श्योर सीजन 2 भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन कुछ एक आइडिया देना चाहेंगे क्या होना है, क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं उसमें? इस वक्त मैं कोई आइडिया दे नहीं सकता, मगर इतना कहूँगा कि 24 के जितने भी जो कुछ एक्टर्स हैं जो 24 फर्स्ट सीजन के थे वो 24 सेकंड सीजन में भी होंगे और काफ़ी नए कैरेक्टर्स इस सेकंड सीजन में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो काफ़ी आप बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा, बहुत अच्छी कास्टिंग होने वाली है और अच्छे अच्छे कलाकार सेकंड सीजन में होने वाले हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हम सब एक्टर्स बैठ के कई बार सोचते हैं कि अनिल कपूर सर की एनर्जी जो है, एनर्जी का यही है कि यहाँ पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी का हूँ और हिंदुस्तान का हूँ, मुंबई का हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, और मेरे ख्याल से और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मिलती है सब लोगों को क्योंकि एक पॉजिटिव वेव चल रहा है हमारे कंट्री में और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव वेव बरकरार रहे, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं मगर हर फील्ड में हिंदुस्तान के, और सब खुशहाली हो रहा है मुझे और अगर आप देख रहे हैं तो चारों तरफ खुशहाली है। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक आपकी तरफ से भी आता है, इतनी अच्छी फिल्म, इतने अच्छे शोज आप लेके आते हैं। विश यू ऑल द लक फॉर दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सर।